पद्मावती फिल्म पर सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रशून जोशी ने नाराजगी जताई। प्रशून जोशी ने कहा कि सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट के बिना फिल्म मीडिया को दिखाई गई और कई चैनल पर भी इसकी समीक्षा की गई है। अपनी सुविधा के लिए नियम का उल्लंघन किया गया। फिल्म के लिए आवेदन इसी हफ्ते भेजा गया था। फिल्म निर्माता ने आवेदन में वो जगह खाली छोड़ दी थी जिसमें यह लिखना था कि फिल्म काल्पनिक है या फिर ऐतिहासिक है, इसलिए नियम के तौर पर निर्माता से फिल्म के जरूरी दस्तावेज मांगे गए हैं। पद्मावती के निर्माता ने जो किया वो हैरान करने वाला है। तो प्रसून जोशी ने नाराजगी जताई है फिल्म निर्माताओं से कि कैसे सेंसर बोर्ड की मंजूरी के बिना जो है फिल्म की प्राइवेट स्क्रीनिंग की गई है, कैसे जो है कुछ मीडिया हाउसेस को ये फिल्म दिखा दी गई है। तो इस पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जब करनी सेना या राजपूत घरानों ने कहा कि उन्हें ये फिल्म पहले दिखाई जाए तो क्यों नहीं उन्हें दिखाई गई। और हमारे साथ रजा मुराद जी जुड़ रहे हैं और ज्यादा बातचीत के लिए। रजा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। जिस तरह से सेंसर बोर्ड ने अभी फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं किया, देखा ही नहीं है, उससे पहले जो है फिल्म की प्राइवेट स्क्रीनिंग कर दी गई, कुछ मीडिया हाउसेस को वो फिल्म दिखा दी गई, यहाँ पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों किया गया, क्यों नहीं पहले फिल्म जो है करनी सेना या राजपूत घरानों को दिखाई गई जो सबसे ज्यादा इसका विरोध कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये पूरा एक पब्लिसिटी का स्टंट है? देखिए, संजय लीला भंसाली जो है वो कर्मयोगी है, वो अपने काम में जो विश्वास रखते हैं वो स्टंटबाजी में विश्वास नहीं रखते और उन्हें स्टंटबाजी करने की जरूरत नहीं है। वो इतनी साफ सुथरी और अच्छी फिल्में बनाते हैं जी, तो उन्हें कुछ हथकंडे इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। मैं ये कहूंगा कि फिल्म का प्रिंट आए हुए भी अभी 2 दिन हुए हैं, तो जब तक फिल्म का प्रिंट नहीं आएगा आप लोगों को दिखाएंगे कैसे? और अगर बुद्धिजीवियों को दिखाया है, जिम्मेदार लोगों को दिखाया है, उनकी ओपिनियन भी लिया है, तो उसमें कौन सी उसमें बुराई है आप ये बताइए। पर ऐसे में लगता नहीं है कि पहले करनी सेना को या फिर राजपूत घरानों को दिखा देनी चाहिए थी जो सबसे ज्यादा इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं? शायद उनका भी जो विरोध है वो शांत हो जाता और उसके बाद शांति से ये फिल्म जो है रिलीज हो जाती। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अगर इस देश के जिम्मेदार नागरिकों को अगर फिल्म दिखाई है, अगर उनकी भी ओपिनियन ले ली है, तो उसमें कोई बुराई तो है नहीं। अब अगर उन्होंने कहा है करनी सेना वालों को दिखाएंगे, अगर उन्होंने कहा है तो वो जरूर दिखाएंगे, तो इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। देखिए रजा मुराद जी, हमारे सवाल उठाने का तो खैर कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल जो उठाया वो सेंसर बोर्ड ने उठाया है। सबसे पहले तो नाराजगी जो जता रहा है वो सेंसर बोर्ड जता रहा है कि फिल्म जो है वो क्यों कहीं बाहर दिखा दी जाती है, क्यों नहीं पहले उन्हें दिखाई गई, पहले उनसे पास करवाई गई, उसके बाद जो है वो प्राइवेट स्क्रीनिंग रख दी जाती। आखिरकार ऐसी जल्दी क्या रही? फिल्म जो है प्रोड्यूसर डायरेक्टर की है, उसका जिसको दिल चाहे दिखाए, अगर उसका प्रिंट आ गया है, अगर उन्होंने उससे पहले भी फिल्म के ट्रायल सेंसर में जाने से पहले भी फिल्मों के ट्रायल होते हैं, ये पहली बार नहीं हुआ है। हमारे यहाँ ये एक रिवायत है कि लोगों को पहले भी दिखाते हैं, सेंसर से पहले भी दिखाते हैं, तो सेंसर को पहले दिखाएं या बाद में दिखाएं, लेकिन एक ऐसी फिल्म जिसको लेकर विवाद उठ रहे हैं, जिसको लेकर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, हर रोज इस पर नई बयानबाजी हो रही है, कहीं ना कहीं इससे एक जो और है नई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है कि मीडिया कुछ चुनिंदा मीडिया हाउसेस को दिखाकर शायद एक राय जो है उनकी बनवाई जा रही है, जिससे कि करनी सेना और राजपूत घरानों को काफी जो है वो विवादों का सामना भी करना पड़ रहा है। करनी सेना भी आए दिन बयान देती है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ जो राय है वो अपने पक्ष में करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, अगर मीडिया को फिल्म दिखाई जा रही है तो मीडिया झूठ तो बोलेगा नहीं, जो मीडिया महसूस करेगा वो दिखाएगा, वो बताएगा। हाथ संगम को हाथी का और पढ़े लिखे को पारसी का, ये कोई चीज छुपाने की तो है नहीं। आज मीडिया ने देखी है और अगर वो राय देंगे, अपनी राय देंगे, तो हर इंसान पर अपनी राय देने का हक है और उनकी राय बड़ी अहमियत रखेगी मीडिया की। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बुराई है अगर मीडिया को उन्होंने पहले दिखाई है। मीडिया जो है बिल्कुल निष्पक्ष तौर से अपनी राय देगा इस फिल्म के बारे में, और
वो मीडिया को किसी की लल्लो पच्चो करने की जरूरत नहीं है, मीडिया जो महसूस करेगा। यानी कि आपको लगता है कि सेंसर बोर्ड अगर इस पर नाराजगी जता रहा है कि प्राइवेट स्क्रीनिंग मीडिया के लिए क्यों की गई, या विरोध जता रहा है, तो आप जो है मानते हैं कि सेंसर बोर्ड की नाराजगी जो है वो जरूरी नहीं थी, गैर जिम्मेदार? बिल्कुल जरूरी बात, बिल्कुल। तो आपको लगता है कि फिल्म की स्क्रीनिंग आपको नहीं लगता कि पहले करनी सेना या फिर राजपूत घरानों के लिए भी साथ ही कर देनी चाहिए थी, जिससे कि ये सारा विवाद ही शांत हो जाता? अब ये देखिए, ये जिसकी फिल्म है वो बेहतर जानते हैं कि पहले किसको दिखाना है और किसको नहीं दिखाना है। एक आदमी जिसके 200 करोड़ रुपए लगे हैं, जिसकी सिर्फ मेहनत ही नहीं लगी है, जिसका पसीना और खून लगा है, उसके बारे में आप सोच नहीं रहे। किसी की जेब कुछ लगा नहीं है सिवाय संजय लीला बंसाली के। इतनी स्टेक्स उसने हाई लगाई है फिल्म में, उसको उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो पद्मावती को लेकर एक और जो है विवाद खड़ा हो गया है कि आखिरकार फिल्म प्रोड्यूसर ने कैसे स्क्रीनिंग जो है वो प्राइवेट स्क्रीनिंग कर दी। यहां पर सेंसर बोर्ड की नाराजगी दिख रही है, लेकिन रजा मुराद जी का ये कहना है कि ये फिल्म निर्माता की इच्छा है कि वो किसे फिल्म दिखाना चाहते हैं या नहीं। लेकिन सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार विरोध करने वाली करनी सेना को ये फिल्म क्यों नहीं दिखाई गई, क्यों नहीं राजपूत घराने को दिखाई गई, जिससे कि ये पूरा विवाद ही खत्म हो जाता अगर वो फिल्म देख लेते और फिल्म को अगर अप्रूव कर देते तो।